नमस्ते। लो जी, नया डिज़ाइन लेके आ गई मैं आप लोगों के लिए। अगर आप पूरे यूट्यूब पे नया डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं छोटे बच्चों के बूट का, तो लो देखो नया डिज़ाइन लेके आ गई हूँ मैं। ये मैंने पहले सलाइयों से बना रखा है, लेकिन अब की बार मैंने ये क्रोशे से बनाया। तो मैं बताती हूँ, शुरू करती हूँ कि कैसे बनाया मैंने, कैसे शुरू करा, कहाँ से शुरू हुआ। तो जल्दी जल्दी देखिए, आप भी बनाए अपने बच्चों के लिए। पहली बार यूट्यूब पर मिलेगा आपको ये डिज़ाइन। अब देखो, मैंने 20 चेन डालनी है। एक चेन हो गई, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 चेन डाल ली। अब मैं इसको बनाऊंगी। अब इस तरीके से मैं 9 चेन बना, पहले 9 चावल बनाऊंगी। 3 हो गया, 4, 5, ऐसे मैं पहले ये 9 बना लेती हूँ। यहाँ तक 6, 7, 8 और 1, 9। अब की बार हमने क्या करना है, चेन ले ली एक, 2 छोड़ दिया मैंने, तीसरे में लगाया। फिर इधर भी मैं पहले 9 चेन ले लूँगी। ये जूता यहाँ से शुरू है, हो रखा है यहाँ से, ठीक है। पहली बार हमने चेन डाल रहे हैं खाली, दूसरी बार हम इसका ये फूल बनाएंगे, तितली बोलते हैं ना, फिर ये बनाएंगे। तो ये मैं पहले 9 इधर भी ले लेती हूँ, 2 मैंने बीच में छोड़ दिए। 9 चेन बना ली, साइड में मैंने 3 चेन बना के वापस आएंगे। फिर मैं अभी 9 बनाऊंगी। ये 2 तक मैंने चेन बना रखी, ये जो मैंने 2 चावल चेन बनाई थी इसके पास, अभी मेरे 9 बन गए। अब मैंने एक में से 5 करने हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 5 फूल बना लिए हमने, 5 चावल बना लिए एक छेद में जो हमने 2 चेन बनाई थी उसके बीच में। अब फिर मैं ये पूरे 9 बना के ले जाऊंगी। आठ बन गए, बिल्कुल किनारे में जो हम 3 चेन बनाते हैं उसके अंदर से भी लेना है, नहीं तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। 1, 2, 3 3 जो बना लिए। फिर अब की बार मेरे जो मैंने 5 बनाए थे, इसमें मेरे 2 बढ़ जाएंगे। तो मेरे 11 चावल हो जाएंगे ये। अब जो मैंने 5 बनाए थे ये चावल, 1, 2, 3, 4, 5 देखो, अब इसके ऊपर मेरे बीच का मैंने 1 छोड़ना है, ये वाला छोड़ना है। तो अभी मैं ये 2 मैंने इधर इस साइड के बन गए। अब मैंने बीच में 1 चेन ले ली, 1 छोड़ दिया, क्योंकि अगली बार हमने इसमें फिर 5 बनाने हैं। फिर इधर भी मेरे 11 हो जाएंगे। अब ये 2 मेरे इधर बढ़ गए, 2 उधर बढ़ गए। तो ऐसे ही मैं पहले इसको बना के लाती हूँ यहाँ तक, फिर दिखाऊंगी आगे। फिर आ गई मैं 20 सेंटर पे, फिर इसमें मैंने 5 बना देने हैं। तो यहाँ से अगली बार जैसे 2 ये बढ़ गए मेरे, इसको मैंने छोड़ना है बीच में, फिर 2 मुझे इधर बढ़ाने होते हैं। पूरे फंदों में से ऐसे उठा के ले जाना होगा। पहले मेरे 11 थे, अब मेरे 13 हो जाएंगे एक साइड, एक साइड, दोनों तरफ 13-13 हो जाएंगे। अब जैसे मेरे 20-20 ना हो जाएं, जब तक 20 इधर 20 इधर, क्योंकि यह है 1 साल के बच्चे का। अगर आपको थोड़ा बड़े बच्चे का चाहिए तो ज़्यादा बनाओगे, तो तब तक ये बनाते रहना है। छोटे बच्चे का इतना तो
जीरो नंबर से एक साल के बच्चे का ये आराम से आ जाएगा। तो मैं 20-20 फंदे सिलाइयों से बनाते हैं हम तो 40 फंदे करते हैं, तो इसमें मैं 20-20 चावल ले रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से बनाएगा। बहुत जल्दी बनने वाला जुराब है ये, और अच्छा भी लगता है। आप भी इस तरीके से बना सकते हो, बड़े का भी बन सकता है। आप बड़े का बनाना चाहो बड़े का भी बन जाएगा कि घर के अंदर पहनने के लिए। मुश्किल से ये आधा घंटे के अंदर तैयार हो जाएंगे, दोनों सॉक्स तैयार हो जाएंगे बच्चे के। अब मैंने यहाँ पे ये देखो, ये जो मैंने 5 बनाए थे तो 2 मैंने ये ले लिए, बीच का मैंने छोड़ना है, फिर मैंने इधर ले जाना है। अब बीच का मैंने ये छोड़ दूंगी जो मेरा 5वां आया है बीच का। चेन डालना चाहो डालो, ना डालो तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से उठ जाएगा हमारा। तो मैंने चेन नहीं डाली। अब तो ऐसे मैं बना लेती हूँ जब तक मेरी, ये तो शुरू का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लाइन तक बनाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी यहाँ मैंने कैसे घटाया। तो पहले मैं इतना बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ तक मैं ले आई हूँ, अब मुझे यहाँ पे छोड़ना है, एक छोड़ना है, एक लाइन अभी और चाहिए होगी मुझे। अब इसको मिला के 12 लाइन होनी चाहिए, जो सबसे पहले जो मैंने सिल रखा है इसको मिला के 12 लाइन मैंने बना दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइन मैंने इसमें बना दी। अब मैंने देखो कितना घटाना है, मुझे 8 फंदे कम करने हैं इसमें। ये चीज़ जो मैं घटाऊंगी, ये पीछे एड़ी के पास जो है, तो मैंने कैसे घटाना है देखो। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 अब यहाँ से मैं वाइट धागा लगाऊंगी। अब मैंने वाइट धागा जोड़ दिया, 3 चेन यहाँ पे ले लूँगी। पहले 3 चेन ले ली। अब मैं पहले, जब तक मेरे इधर 8 ना रह जाए इधर, तब तक मैं इसको बना के ले जाऊंगी। बीच में मैं फूल डालूंगी अभी, और यहां से फिर मैं अब गोल बना दूंगी इसे। इसमें सिलाई नहीं होगी, क्रोशे से गोल गोल सिल दूंगी इसे। अब यहाँ 20 सेंटर में मैं अभी 2 फूल और लेंगी यहाँ पे, ये। अब जो मेरा ये सेंटर है, अब इसके अंदर से मैं 1 2 3 और 1 4 चार बारी लिया। अब मैं जैसे ये बनाया ऐसे यहाँ तक बना के, जहाँ मेरे 8 रह जाएंगे, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक मैं इसको बना के लाऊंगी, यहाँ से फिर मैं गोल ले लूँगी इसे। तो पहले यहाँ तक बना लेती हूँ। अब मैंने यहाँ ये छोड़ दिया,
यहाँ मैंने ये घटाया तो यहाँ मैंने ये छोड़ दिया, तो देखो दोनों तरफ एडी जुड़ गई है। ये इसकी लंबाई आएगी नीचे पैर की, और यहाँ हम ऐसे चुनट मार के सिल देंगे, तो ये इस तरीके का जूता बन जाएगा। अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी यहाँ, अब मैं यहाँ से यहाँ पे छेद ना आ जाए, एक फूल यहाँ से इस तरीके से उठा लूँगी। अब मैं यहाँ से ऐसे बना के ले जाऊँगी। अब मैं दो रंग से अभी गोल हो जाएगा, इसमें सिलाई नहीं होगी, साथ में सिलाई हो रही है। इस तरीके से एक फंदा आगे से, एक फंदा पीछे से, फिर एक फंदा आगे से, एक फंदा पीछे से, ऐसे यहाँ से मैं ग्रीन धागा लगाऊंगी। सॉरी, ग्रीन धागा लगाऊंगी पहले, सॉरी पहले एक वाइट ही धागा चलेगा, एक लाइन ग्रीन दूसरी लाइन में आएगा। एक फंदा आगे से, एक फंदा पीछे से। अब इसको मैं ऐसे पूरा बना के ले आऊंगी यहाँ पे। फिर ये ग्रीन धागा है मेरे पास, काटा नहीं है, तो इसको फिर मैं ग्रीन धागे से बनाऊंगी। इसी तरीके से बनेगा फिर ये, फिर ये एक लाइन ग्रीन की जाएगी, एक लाइन वाइट की जाएगी, तो इस तरीके से ये इतना बना लूँगी। तो पहले मैं ये लाइन पूरी करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। अब मेरा ग्रीन धागा लग गया, अब ग्रीन से बना रही हूँ मैं। तो ये है मेरे 32 चावल है मेरे पास। तो आप थोड़ा बड़े बच्चे का बनाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप ही हो, तो एक लाइन जब बढ़ाओगे तो यहाँ पे फूल में फंदे बढ़ जाएंगे, तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं तो एक आध इधर उधर से बढ़ा लेना चाहिए कि ये पैर जाने में परेशानी ना हो। तो ये तो बच्चे का तो ठीक है, देखो ये तो आराम से आ जाएगा छोटे बच्चे का। और डोरी भी डालना, नी भी डालोगे तो तब भी अटक जाते हैं ये जुराब, और नहीं तो एक एक डोरी भी डाल सकते हो। इलास्टिक पड़ा है आपके पास तो इलास्टिक भी डाल सकते हो, इसके ऊपर बारीक वाला जो हम स्वेटर के बाजू में लगाते हैं जब बाजू लूज हो जाते हैं। तो इस तरीके का मेरे पास अभी है नहीं, वैसे मैंने मंगवा रखा है, कभी पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन है नहीं अभी। मैं जूतियों में भी डालना है, मैंने जो भी जूतियाँ बना रही हूँ उनमें डालना पड़ेगा, नहीं तो बार बार जूतियाँ उतरती हैं। तो ये छोटे बच्चे का तो आप डोरी भी डाल सकते हो, रिबन डाल लो, कुछ भी डाल लो। तो इस तरीके से मैं पहले एक लाइन ग्रीन की, एक वाइट की, तो दो तो मेरी वाइट की पहले बन गई थी, फिर एक ग्रीन की बनेगी, फिर एक वाइट की, फिर ग्रीन की, फिर वाइट की, फिर ग्रीन की, फिर वाइट की, फिर ग्रीन की, इस तरीके से फिर मैं दो लाइन छोटा टाका छोटा क्रोशेट लगा के इसको बंद कर दूंगी। तो जूती तैयार हो गई है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो मैं जो थोड़ा पहले ये बना लेती हूँ इतनी लाइन, फिर दिखाती हूँ आगे। यहाँ तक मेरा ये बन गया, देखो इसके बराबर बन गया। अब मैं क्या, मैं अब सिंगल टांका लगा के ले जाऊंगी, ये सिंगल क्रोशिया लगा के दो लाइन मुझे सिंगल क्रोशिया लगाना है। फिर मेरी सॉक्स तैयार हो गई, सिर्फ नीचे सिलाई है इसकी, इसका बीच में हमने एक साथ बना दिया। आप चाहो एक साथ नहीं बनाओगे तो सिलाई कर लोगे बाद में, तो जैसे हमने ये बनाया खुला ऐसे आप खुला बना सकते हो, लेकिन मैंने क्रोशिया से अब क्या सिलाई लगाती, इसलिए मैंने गोल गोल बना दिया, तो बच्चे का पैर तो आराम से आ ही जाएगा। फिर थोड़ा बॉर्डर सा हो जाता है सिंगल क्रोशिया लगाने से। सिर्फ दो लाइन लगाऊंगी, आप अपने हिसाब से बनाना, आपको कितना बड़ा जूता चाहिए। मेरी वर्धमान की ऊन है, मैंने 12 नंबर के क्रोशिया से बनाया, आप अपने ऊन के हिसाब से क्रोशिया लगाएगा। बस अभी मेरी दूसरी लाइन जा रही है, इसके बाद धागा कट कर दूंगी। बन गई सॉक्स जल्दी से,
मैंने टोटल 40 चावल बनाए, अगर हम फंदे भी डालते हैं तो 40 होते हैं, जैसे 20 इधर 20 इधर, तो आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाना। और वैसे इससे छोटा तो क्या बनाओगे, क्रोशिया से या सिलाइयों से, क्योंकि बच्चा तो बढ़ता रहता है, तो इसलिए इतना 40 तो होने ही होने चाहिए। ये मेरा तैयार हो गया, अब मैं यहाँ धागा कट कर लूँगी। अब मैंने उल्टी साइड से पलटा लिया, सुई में धागा डाल रखा है, अब यहाँ से मैं सिलाई शुरू करूँगी। ये जो मैंने एड़ी के लिए जो बनाया था, यहाँ से अपनी सिलाई ले जाऊंगी, यहाँ से करके पहले यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे बाद में दिखाऊंगी, यहाँ पे बाद में दिखाऊंगी फिर आगे कि कैसे करा, पहले इतना सिल लेती हूँ। अब यहाँ से तो मैंने यहाँ तक सिल दिया, अब देखो यहाँ पे कैसे करना है। ऐसे करके हमने सिलाई सुई ऐसे करके लाना है, फिर बाद में इसको खींच देंगे, पक्का कर देंगे फिर बाद में। ये ले आए हम इसके अंदर धागा पिरो के, अब इसको आराम से इस तरीके से कि ज़्यादा चुन्नट भी ना पड़े और देखने में भी अच्छा लगे। देखो इस तरीके से एक गोल बना दिया हमने, अब यहाँ पे हम इसे पक्का कर देंगे। अब ये जो धागा बचा हुआ है, पहले जब फंदा डाला था उसका धागा, तो इसको इसके साथ गांठ लगा देंगे पहले। धागा ऐसे तोड़ेंगे कि धागा खुले ना फिर बीच में। अब सीधा करके देखो, देखो आ गया ना जुराब, अब बन गई दोनों बूटी। थोड़ा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर देना ज़रा वीडियो देखते देखते, और लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी बूटी कैसी लगी। इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी कैसे भी आप